वेलकम टू क्लास 12। आज जो आपका टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड चैप्टर आपका चैप्टर 5 एचसीएल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपका टॉपिक है सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या बताया है। देयर आर ए नंबर ऑफ वे बाय विच ह्यूमन कैपिटल कैन बी इंक्रीज। कि हमारे जो बहुत सारे कैपिटल्स हैं, हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसमें बहुत सारे नंबर्स बताए गए हैं, ठीक है। किस लिए? इंक्रीज के लिए, कि हमारे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसको हम किस तरह से इंक्रीज करें, ठीक है। अगर हमें उनको इंक्रीज करना है, हमें मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाना है, तो हमें कुछ वेज बताए गए हैं डिफरेंट वे में कि वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, द डिफरेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमारे डिफरेंट सोर्सेज जो बताए गए हैं वो हमारे सभी क्या क्या है, हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सोर्स हमें जो बताया गया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि हमें अपनी एजुकेशन पर एक्सपेंसेस करना है, हमें अपनी एजुकेशन पर खर्चा करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज। भाई जितने ज्यादा हम अपनी एजुकेशन पर एक्सपेंसेस करेंगे उतनी ज्यादा हम अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी एजुकेशन अच्छी होगी उतना ज्यादा हम इंक्रीज हमारी इनकम भी बढ़ेगी, देन उसके साथ साथ हम अपने में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जितनी ज्यादा एजुकेशन अच्छी होती है उतना ज्यादा पर्सन अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकता है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, और ये सब चीजें अगर इंक्रीज होंगी तभी आप कुछ अर्निंग कर पाओगे, क्लियर है। तो हम सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसेस करना चाहिए हमें एजुकेशन पर अपना एक्सपेंसेस करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन होगी तभी आप कुछ कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारा बेटर सोशल स्टैंडिंग प्लान, कि भाई हमारी अगर एजुकेशन पर हम अपना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो हमारा एक सोशल स्टैंडिंग प्राइड भी होगा कि भाई हमारी सोसाइटी में एक अच्छी रेस्पेक्ट भी होगी। और सोसाइटी में ये भी होता है कि भाई अगर कोई पर्सन ज्यादा एजुकेटेड है तो लोग बाद उसे नॉलेज भी ले सकते हैं, वो किसी को ज्ञान भी दे सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस पर, एजुकेशन पर, कि आप कितनी ज्यादा एजुकेशन ले रहे हो। जितनी ज्यादा आपकी एजुकेशन अच्छी होगी उतनी ज्यादा आप अर्निंग इंक्रीज कर सकते हो, उतना ज्यादा आपका स्टैंडिंग प्राइड होगा कहां पर, सोसाइटी में, सोशली, क्लियर है। तो ये फर्स्ट था हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सेकेंड बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब एजुकेशन तो अच्छी ले ली लेकिन हेल्थ नहीं है, तो विदाउट हेल्थ एजुकेशन पर भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप एजुकेशन ज्यादा कि मैं पढ़कर आप पूरे दिन 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 मतलब डे बाय डे आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो और आपकी हेल्थ हो गई खराब, तो क्या उस एजुकेशन का कोई फायदा होगा? नहीं। तो यहाँ पर हम जितना अपना एक्सपेंसेस एजुकेशन पर कर रहे हैं उतना एक्सपेंसेस अगर हम हेल्थ पर भी करें तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर हेल्थ होगी तो हम कुछ वर्क भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स बताए गए हैं, प्रोडक्टिविटी, लेबर फोर्सेस। कि भाई अगर कोई कंपनी या कोई भी आप फैक्ट्री या कंपनी कुछ भी मान लीजिए, वहां पर अगर किसी को वर्क कराना है, सभी जगह पर लेबर होते हैं ना, कुछ वर्क लेबर के थ्रू कराया जाता है, कुछ वर्क मशीन के थ्रू कराया जाता है। तो जो वर्क हमें मशीन से ना कराकर लेबर से कराना है और लेबर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या वहां पर कुछ वर्क हो पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर जितना एक्सपेंसिव हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं उतना ही हमें हेल्थ पर भी करना चाहिए, क्योंकि लेबर अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तभी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी की जाएगी। विदाउट हेल्थ आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव क्वालिटी लेबर। भाई कंपनी को या कंपनी के ओनर को क्या चाहिए? अपना प्रोडक्शन चाहिए, अपना वर्क चाहिए, तो वो अपनी लेबर की क्वालिटी में भी इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्प्रूव क्वालिटी लेबर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर
ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर और हेल्थ। थर्ड पर आते हैं, थर्ड है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप जॉब के साथ साथ जो आप कुछ सीख रहे हो, कुछ ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, ठीक है। इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी वर्क। भाई यहाँ पर अगर हम जॉब के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, या हमें अपने स्टडी के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में कुछ जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इंक्रीज द स्किल, हमारी स्किल्स को इंक्रीज किया जाएगा। एंड एफिशिएंसी वर्क, हमें काम करने की क्षमता का पता चलेगा कि हम कितना वर्क कर सकते हैं, किस लिमिट में कर सकते हैं और किस वर्क में क्या क्या किया जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आपके यहाँ पर कोई भी लेबर, कोई भी वर्क करने के लिए आता है, फॉर एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है कि भाई बिजली को ठीक करने के लिए आता है, वो साथ में एक पर्सन को जरूर लाता है अपने साथ। वो वर्क नहीं करता, लेकिन वो उसके साथ में देखता तो है ना कि वो किस तरह से क्या वर्क कर रहा है। वो धीरे 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 देखता चला जाता है और उसके साथ में वो बाद में काम करना भी स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो वहां पर क्या कर रहा है, अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डॉक्टर राम का एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर राम ने धीरे धीरे, उन्होंने कभी ना कभी तो कंपाउंडर का काम भी किया होगा ना, कि भाई एकदम से तो वो डॉक्टर नहीं बन गए, कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेनिंग भी ली होगी, कुछ सीखा भी होगा, है ना। तो जब उन्होंने पूरी तरह से वो प्रिपेयर हो गए, पूरी तरह से उन्होंने सीख लिया, तभी तो उन्होंने ऑपरेशन किया होगा ना। तो विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब के साथ साथ हम जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उससे हमारी स्किल्स इंक्रीज होती है एंड हमारा जो वर्क होता है उसमें एक एफिशिएंसी आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरह से क्या वर्क करना है, क्लियर है। फोर्थ पर आते हैं, एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। इट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग इन माइग्रेट, कि भाई यहाँ पर अगर हम माइग्रेशन पर कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो हम, आपको पता होगा रूरल एरिया में क्या होता है, स्टूडेंट्स कुछ पढ़ने के लिए अपने गांव से दूसरे शहर जाते हैं, या हम कुछ एजुकेशन के लिए दूसरी सिटीज में जाते हैं जहां पर वो एजुकेशन एक बहुत अच्छे वे में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम, अभी हमने बात करी है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन की, तो इट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग इन माइग्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। और माइग्रेशन का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया, माइग्रेशन का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जिसको पलायन बोलते हैं, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर अपनी स्टडी के लिए, जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, मोस्टली ये चीज रूरल एरिया में देखी जाती है कि वहां के स्टूडेंट्स, वहां के बच्चे दूसरी सिटीज में जाकर स्टडी करते हैं, दूसरी जगह पर जाकर जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर हमें ज्यादा अच्छी नॉलेज, ज्यादा अच्छी स्टडी एंड हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोवाइड की जाएगी, हमारी नॉलेज को, हमारी स्टडी को ज्यादा बेटर किया जा सकता है, हम वहीं पर जाकर अपनी स्टडी करना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन का मतलब होता है कि हम एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ हम माइग्रेशन पर भी एक्सपेंसेस करें, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमें इंफॉर्मेशन पर खर्च करना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन पर खर्च करने से हमारा मीनिंग आता है कि भाई अगर मुझे एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन पर एक्सपेंसेस करना है, तो भी मुझे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन चाहिएगी कि भाई अगर मुझे अपनी एजुकेशन लेनी है, मैं किस कॉलेज से लूं, किस स्कूल से लूं, है ना, जहां से मैं एक्सपेंसेस जो कर रहा हूं उसका बेनिफिट हो, क्लियर है। और तब आप, जब आप एजुकेशन पर एक्सपेंसेस करोगे तभी आपकी अर्निंग को इंक्रीज किया जा सकता है कि भाई हाँ अच्छी जगह से वेल एजुकेटेड है। उसके बाद अगर मैं हेल्थ पर एक्सपेंसेस कर रहा हूं तो भी मुझे क्या करना होगा, तो भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए किस से कंसल्ट करना चाहिए, किस डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर प्रोवाइड किए जाए। तो यहाँ भी
हमें जॉब अच्छी मिलेगी, तो उन सभी के लिए भी हमें क्या जरूरी है, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन द्वारा एक्सपेंसेस होना मस्ट है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम इन सफर के एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं वो हमारे सही से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इट हेल्प टू मेक डिसीजन इन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि हमारी हेल्प करता है अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके डिसीजन लेने में, क्या, इन्फॉर्मेशन। ठीक है भाई, कुछ भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहीं पर भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, आपको एक डिसीजन लेना है तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए।